फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आई हूँ अपने गांव गोरखपुर, और मैंने कहा था बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी, हर जगह ब्लॉगिंग करूंगी, आपको दिखाऊंगी, बट मैं नहीं दिखा सकी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो फीवर वगैरह थे, तो मैं नहीं जा पा रही थी बाहर। बट मैं आज जा रही हूँ गोरखनाथ मंदिर, तो वहाँ की मैं ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। बहुत अच्छा मंदिर है। हमारे यूपी के CM है जो वहाँ पर पहले निवास करते थे, अभी आते जाते रहते हैं, तो वहाँ की मंदिर का मैं सारा शूट करके दिखाने वाली हूँ। गोरखनाथ मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, तो वहाँ की मैं ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, वहाँ का सारा मैं दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और चलिए चलते हैं मेरे साथ गोरखनाथ मंदिर, और वीडियो बहुत इंजॉयफुल होने वाला है, तो चलिए चलते हैं। बच्चों का ये था मंदिर का रास्ता, तो हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर पे। दुकानें वगैरह हैं सारी, यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं, तो रेस्टोरेंट भी है खाने पीने का। बहुत ही सुंदर सा मंदिर बना है, बहुत अच्छा फेमस मंदिर है गोरखनाथ मंदिर। तो चलिए मैं चलती हूँ लेके आपको। देखा मंदिर, ये था मंदिर, यहाँ से कुछ ऐसे सारा गंगा जी, ये था हमारा गोरखपुर था, यहाँ का एंट्री द्वार ये है।
देख ही सकते हैं, इतना सुंदर सा मंदिर है। अभी थोड़ा शांति, हर जगह पोस्ट लगी है, पता ये टाइम ऐसा है। और यही यहाँ ये इसी मंदिर पे बैठते हैं हमारे, इसी मंदिर पे सीएम जी बैठते हैं आके। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये मेरे से देख रहे हैं, ये मंदिर है यहाँ सा पूरा अच्छा सा। और ये भी है, बहुत बड़ा मंदिर है, पूरा घूमना का नहीं है, बहुत घूमना पड़ता है, बहुत बड़ा मंदिर है। और मेला वगैरह भी यहाँ पर लगते हैं खिचड़ी के टाइम, तो खिचड़ी होती है यहाँ, जब खिचड़ी होती है तब यहाँ पर खिचड़ी चढ़ती है, मेला लगते हैं, बहुत खिचड़ियाँ चढ़ती हैं 14 खिचड़ी के दिन। और ये थे यहाँ के संत जो पहले नीम जो आते गए, मूर्तियाँ अच्छे से बनी हैं, बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनी हैं, ऐसा लगता है मूर्तियों में जान है, सामने से देखने पे बहुत अच्छी लगती हैं मूर्तियाँ। तो यहाँ पर सबके नाम वगैरह भी लिखे हैं जो यहाँ पर रहते थे या जो यहाँ के महंत थे जिसे बोला जाता है, तो वो उन सब की ये सब उनको फिर स्थापित किया गया इस तरह से यादगार के लिए। बहुत सारी थी यहाँ से पहले, शायद आई थिंक हटा दी गई है अभी, तो पहले बहुत थी, अभी बीच बीच में जो गैप है तो वहाँ से लग रहा है उन लोग को हटा दिया गया है। तो फिर इसको एंजॉय करिए आप, देखिए बहुत ही अच्छे ऐसा लगता है, मतलब बहुत शांति मिलती है यहाँ पर आके। दिन में आए तो 4-5 घंटा यहाँ पर रुके, घूमने की जगह बहुत अच्छी है, बट मैं लेट हो गया मुझे, और शादियाँ वगैरह भी यहाँ पर होती हैं, बहुत ही सुंदर है। जब भी आप गोरखपुरा है, गोरखनाथ मंदिर बहुत है, बहुत विशाल और बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। तो चलिए मैं सारा दिखाती हूँ आपको, शूट के करके वीडियो के जरिए मैं आपको सारा दिखाती हूँ, तो इन्जॉय करिए। तो मैं वीडियो के जरिए आपको यहाँ के दर्शन कराती हूँ गोरखनाथ बाबा के, तो मेरे साथ चलिए दर्शन करिए सारे जगह के। मैं जहाँ तो होता है मैं सारा शूट करके दिखाऊंगी, सारे जगह को आपको दर्शन कराऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो। ये थे यहाँ के संत जो भी थे, तो इन सबकी मूर्तियाँ बनी हैं यहाँ पर, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पर पहले रहते थे, जो जो आते गए जाते गए, तो सबकी इन्होंने स्थापित किया है मूर्तियों को, ये बहुत सारे हैं ऐसे, तो सबकी बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हैं, देखने पर ऐसा लगता है सच में अभी बोल देंगे, तो इतना अच्छा सब बना है यहाँ पर। तो चलिए और जगह लेके चलते हैं जहाँ पर यहाँ पर जो जो चीज़ें बनी हैं, तो मुझे यहाँ पर बहुत शांति मिलती है, यहाँ पर सबसे अच्छी मूर्तियाँ बनी हैं जो, तो ये मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, फ़ोटो ले रही है। तो चलिए और भी चलते हैं अच्छी जगह जो जो यहाँ पर बना है, ये बाबा ने ही टीका लगा दिया था, तो चलिए चलते हैं फिर और जगह। यहाँ का व्यू बहुत सुंदर सा है, मैं और जगह लेके चलती हूँ आपको, पता ही सूट करो तो सब लोग सोचते हैं क्या कर रही है, तो इसके लिए मैं स्लो बोल रही थी। Thank you.
मंदिर बहुत ही प्यारा सुंदर सा बना है। अभी चलते हैं भीम बाबा के इधर, तो भीम बाबा यहाँ पर है, वहाँ पर तो ये हैं भीम बाबा, जो सब लोग कहते हैं कि मतलब थक के हार के आके यहाँ पर भीम बाबा सो गए थे। तो बहुत विशाल मंदिर बनी है ये भीम बाबा की, पहले ये सब नहीं था, अभी ये सब लगा दिया गया, मतलब बहुत साल से लगा दिया गया। और देखो ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी बोल देंगे तो जय बाबा की। चलिए फिर चलते हैं दूसरी जगह, और ये थी यहाँ की नाव जो चलती थी, अभी नहीं चल रही है। पहले यहाँ पर मतलब इस टाइम अभी रात हो गई शायद आती, इसके लिए नहीं चल रही है ये नाव है पर। पूरा दर्शन कर लिया है और अभी चलते हैं घर। देखा यहाँ का व्यू पीछे का, तो अभी पूरा दर्शन कर लिया हम लोग ने, मास्क मैंने हाथ में लिया है वीडियो शूट करने के लिए कि वीडियो अच्छा है। तो ये था पूरा व्यू वहाँ का, ये थी मंदिर। और हम लोग मम्मी के साथ में आए थे, मेरी मम्मी है और ये है सिस्टर रूबी, हाय बोल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बोलो, सब्सक्राइब एंड लाइक, हाँ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। तो आए थे हम लोग, अभी हम लोग ने पूजा कर ली, आरती होनी हो रही है, बट हमें उन लोग को लेट हो रहा है तो हम लोग जा रहे हैं घर। और वीडियो में इसके लिए नहीं बना पा रही थी कि गांव में पता ही है टाइम नहीं मिल पाता है बहुत सारे, तो इसके लिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पा रही थी। और मुंबई रिटर्न आते ही मैं वीडियो बनाऊँगी, ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, थोड़ा ठंड बहुत थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी। और ये था मेरा ग्राउंड जींस पे पहनते मंदिर के बाहर का, बहुत बड़ा मंदिर बना है, छोटा मोटा मंदिर नहीं है। और ये था मंदिर के बाहर का, और ये था एंट्री द्वार, यहाँ से हम लोग एंट्री ले लिए थे। और ये है बाहर, बहुत सारा बना है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ और भी कुछ दिखाने बैठे हैं, तो पानी को दिखाएंगे फिर घर जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए भी अच्छा है। तो आइएगा तो गोरखनाथ ज़रूर आइएगा सब लोग। तो चलिए अभी मैं घर चलती हूँ पानी पूरी खा के, मैं यहाँ भी जाती हूँ पानी पूरी ज़रूर खाती हूँ, आई लव दिस पानी पूरी। तो पानी पहले खाते हुए देखती हूँ सूट कर पानी पूरी देखा, यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं पानी पूरी, ये हम लोग का पानी पूरी बन रहा है। और बहुत सी सारी दुकानें हैं, बहुत सारी, अभी रात हो गई तो उसके लिए इस तरह से आ गया है। मम्मी खाओ पहले कैसा लग रहा है। तो इस तरह का लगा पानी पूरी है, तो चलिए मैं भी खाती हूँ। चाट खाने जा रहे हैं, पेट नहीं भरा, देखते हैं चाट कैसा है। तो चाट खाते हैं और इंजॉय ने किया होगा वीडियो को, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब खूब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अभी चाट खाते हैं, पानी पूरी से पेट नहीं भरा तो बाहर जाती हूँ मैं, पानी पूरी चाट जरूर खाती हूँ, तो अभी चाट खाते हैं, मैं चाट भी खुद करके दिखाती हूँ। और ये मेन गेट है और इसके बाद ये गोरखनाथ मंदिर बोलेंगे तो यहाँ पर वो ला के उतार देते हैं, इसके अंदर से जाना पड़ता है। रिक्शा पर बैठ कर और दर्शन दर्शन कर लिया, खा लिया पी लिया सब कुछ कर लिया, हाँ कुछ कर दिया, दर्शन भी कर लिया अच्छे से। अभी जा रहे हैं हम लोग घर, घर पर जाके एडिट करती हूँ रात में, ये कल तक देखती हूँ अपलोड कर देती हूँ वीडियो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें, और वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अभी ऑटो चल रही है तो इसकी वजह से अच्छी नहीं आ रही वीडियो, तो तब तक कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं रेगुलर वीडियो ना बना पा रही थी, मैं गाँव आई थी, रिटर्न जाते ही मैं फिर से रेगुलर होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, वीडियोस को लाइक करें, अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो
तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा, बाय बाय।